सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्ज में। सो गाइस, आज को हम बात करने वाले गाइस हैं फोन पे के बारे में। सो गाइस, आपके फोन पे एप्लीकेशन में एक अपडेट आया यूपीआई लाइट का। सो गाइस, अपने यूपीआई लाइट को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, अगर गाइस आपको यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन आपको नहीं मिला है तो आपको कैसे मिलेगा, आप उसको एक्टिवेट करके उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, हम आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि गाइस आपको कितना ऐड करना है, कितना पेमेंट करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ डिटेल में करके बताने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, तभी गाइस आपको पता चलेगा, अन्यथा गाइस आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए गाइस, हम आपको बताते हैं कि अपने फोन पे यूपीआई लाइट को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या होता है। सो गाइस, आपको एक्टिवेट करने से पहले गाइस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। तो जैसे अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो आपको सर्च बार पे क्लिक करना, सर्च बार पे क्लिक करने के बाद में अब आपको टाइप करना पड़ेगा फोन पे। सो गाइस, जैसे आप इसे फोन पे लिख करके टाइप कर देंगे उसके बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको सबसे पहले चेक करना है कि गाइस आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है अपडेट है कि नहीं। अगर गाइस आपका फोन पे एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा। तो गाइस, आपको इस तरीके से अपने फोन पे एप्लीकेशन को सर्च करना, सर्च करने के बाद में आपको चेक करना है कि आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है अपडेट है कि नहीं है। तो आपको इस तरीके से चेक करना है, चेक करने के बाद में आपको इस तरीके से ओपन करना है। तो गाइस, जैसे अपने फोन पे एप्लीकेशन को आप इस तरीके से ओपन कर देंगे तो गाइस आपको जो फोन पे एप्लीकेशन है आप इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस आपको यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यहां पे चेक बैंक बैलेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस, अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में कोई बैंक लिंक है तो आपका बैंक यहां पे शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे फोन पे एप्लीकेशन में दो बैंक लिंक है तो दो बैंक यहां पे शो रहा है, और नीचे गाइस यहां पे एक ऑप्शन रहेगा इस यहां पे यूपीआई लाइट का। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहां पे यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप इसे यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपके सामने यहां पे इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। गाइस यहां पे आपको सब कुछ यहां पे टर्म एंड कंडीशन ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस, आपको सबसे नीचे आना है, नीचे आने के बाद में गाइस यहां पे कह रहा है ऐड अप टू 2000 यहां पे एंड विथड्रॉ एनी टाइम। सो गाइस, आप अपने फोन पे यूपीआई लाइट में 2000 रुपए ऐड कर सकते हैं और विथड्रॉ आप यहां पे कह रहा है एक क्लिक में पेमेंट, मतलब गाइस कह रहा है कि आपने यहां पे फोन पे के यूपीआई लाइट में आप 2000 रुपए एक बार में ऐड कर सकते हैं और पेमेंट पर डे आप 200 रुपए कर सकते हैं। अगर आप 200 रुपए से ज्यादा करेंगे तो आपको जो पेमेंट नहीं होगा। तो गाइस, यहां पे आपको इसमें 2000 रुपए ऐड कर सकते हैं, केवल एक दिन में 2000 रुपए ऐड कर सकते हैं और पेमेंट एक दिन में आप केवल 200 रुपए कर सकते हैं। तो आप ऐड मनी कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहां पे अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने के बाद में आपको सिंपली ऐड मनी पे क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप ऐसे ऐड मनी पे क्लिक कर देंगे तो गाइस अगर आपका एसबीआई बैंक है तो गाइस अभी आपके एसबीआई बैंक में ये फीचर्स नहीं आया होगा तो आपको अपनी केनरा बैंक, ईटीसी, जो भी बैंक होगा उससे आपको ऐड मनी कर लेना है। सो गाइस, जैसे आप ऐड मनी कर लेंगे तो गाइस जब पेमेंट करेंगे तो आपको सिंपली वहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो चलिए गाइस, हमसे क्या करेंगे, 100 रुपए ऐड करके आपको दिखाते हैं। 100 रुपए ऐड कर देंगे, यहाँ पे 100 रुपए डालने के बाद अब आपको सिंपली ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद में अब आपको अपने बैंक से आपको पेमेंट कर देना है। तो चलिए गाइस, हम तो क्या करेंगे, अपने बैंक से पेमेंट कर देंगे, मेरे यहां पे यूपीआई लाइट में मेरा जो पैसा ऐड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस, यहां पे यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से अपने यूपीआई पिन को डाल देना है, डालने के बाद में आपको टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप इस टिक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपका पैसा इसमें ऐड हो जाएगा, यहां पे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। सो गाइस, यहां पे इस तरीके से मेरा ऐड मनी सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप ऐसे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस मेरे वॉलेट में 100 रुपए ऐड हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, अगर आप कहीं पे पेमेंट करेंगे यहां पे गाइस आपके होम स्क्रीन पे गाइस यहां पे दिखाएगा कि गाइस आपके फोन पे यूपीआई लाइट में कितना पैसा है। तो गाइस आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके यहां पे 100 रुपए दिखाएगा। इस तरीके से गाइस अपने यहां पे फोन पे का यूपीआई लाइट में पैसा ऐड कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे पेमेंट करेंगे तो। जैसे गाइस आप किसी के पास अगर गाइस आप अपने क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, अगर अपने यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करके अगर आप कहीं पे पेमेंट करेंगे, जैसे गाइस हम स्कैन पेमेंट करेंगे, यहां पे क्यूआर कोड स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहां पे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में गाइस पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन होकर आ चुका, तो आपको यहां पे अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद में अब आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद में सब आपके सामने पे यूपीआई लाइट का पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, गाइस यहां पे बैंक का भी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगर अपने यूपीआई लाइट से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यूपीआई लाइट सेलेक्ट करके गाइस आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। यहां पे गाइस आपको यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा, आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फाइनली गाइस मेरा जो पेमेंट है यहां पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।